वहां से जाते हुए मार्ग में मसीह यीशु को जन्म से अंधा एक व्यक्ति मिला, जिसे देख उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, रब्बी, किसके पाप के कारण ये व्यक्ति अंधा जन्मा, इसके या इसके माता पिता के? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, ना इसके और ना ही इसके माता पिता के पाप के कारण, परंतु इसलिए कि इसमें परमेश्वर का प्रताप प्रकट हो। अवश्य है कि मेरे भेजने वाले का काम हम दिन रहते ही कर लें। रात आ रही है जब कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। ये कहने के बाद उन्होंने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी का लेप बनाया और उससे अंधे व्यक्ति की आंखों पर लेप किया। और उससे कहा, जाओ शीलो के कुंड में धो लो। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ, इसलिए उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। तब उसके पड़ोसी और वे जिन्होंने उसे इसके पूर्व भिक्षा मांगते हुए देखा था, आपस में कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? कुछ ने पुष्टि की कि ये वही है, कुछ ने कहा, नहीं, ये मात्र उसके समान दिखता है, जबकि वो कहता रहा, मैं वही हूँ। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें दृष्टि प्राप्त कैसे हुई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी का लेप बनाया और उससे मेरी आंखों पर लेप कर मुझे आज्ञा दी, जाओ शीलोह के कुंड में धो लो। मैंने जाकर धोया और मैं देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, अब कहाँ है वो व्यक्ति? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता।